हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैं आज कुछ रियलिस्टिक ड्रॉ करने वाला हूँ। इस ओल्ड मैन का स्केच मैं आज ड्रॉ करने वाला हूँ जो कि बहुत ज़्यादा डिटेलिंग वर्क है। आप देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा डिटेलिंग वर्क है और ये ऑप्ट करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो मुझे तो नहीं लगता कि मैं एक वीडियो में ये कंप्लीट कर पाऊँगा। तो ट्राई करते हैं एक वीडियो में कंप्लीट करने की, अगर नहीं होता है तो फिर आपके लिए दूसरा वीडियो भी आ जाएगा। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलो वीडियो शुरू करते हैं। जो पेंसिल से मैं फर्स्ट लेयर चला रहा हूँ वो ब्लूस्टो की HB पेंसिल है। दोस्तों ये बात ध्यान रखो कि फर्स्ट लेयर चलाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है। आपको फर्स्ट लेयर चला लेनी चाहिए हमेशा। कोई भी पोर्ट्रेट हो, आप चाहे ग्रेफाइट में कर रहे हो या आप चारकोल में कर रहे हो, तो फर्स्ट लेयर चलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे कुछ बिगनर फ्रेंड है वो फर्स्ट लेयर चलाते नहीं है, डायरेक्टली डार्कस एरिया डार्क पेंसिल का ही इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे ऐसे नहीं करना दोस्तों, ऐसे ऐसे करोगे तो आपका पोर्ट्रेट कभी रियलिस्टिक नहीं लगेगा। तो रियलिस्टिक लगने के लिए और अच्छा दिखने के लिए आपको फर्स्ट लेयर चलानी नहीं है हमेशा। फर्स्ट लेयर जो फर्स्ट लेयर हम चलाते हैं वो ऐसे ही वाइट नहीं रखनी है हमें। बहुत सारे फ्रेंड हैं जो ये मिस्टेक बहुत ज़्यादा बार बार करते हैं, ये मिस्टेक जो फर्स्ट लेयर चलाते नहीं हैं। और जो रिफ्लेक्शन होता है, जो शेडो होता है, हमारे लाइट इफेक्ट होते हैं हमारे फेस पे, तो वह ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो हमें ऐसे नहीं करना है, उसके लिए भी फर्स्ट लेयर चला लेनी है हमेशा। अभी मैं फिर से HB पेंसिल का ही इस्तेमाल कर रहा हूँ। थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करके मैं अकॉर्डिंग टू इमेज ऑप्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। जहाँ पे मुझे डार्क लग रहा है वहाँ पे मैं डार्क करने की कोशिश कर रहा हूँ। और दोस्तों मुझे आईब्रो के बारे में भी एक चीज़ बतानी होगी कि हम लोग जब आईब्रो ड्रॉ करते हैं तो नीचे की स्किन भी हमें ड्रॉ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि कोई कोई मेरे फ्रेंड है तो डायरेक्टली आईब्रो ड्रॉ करते हैं। तो ऐसे मत कीजिए दोस्तों, क्योंकि ये दिखने में भी काफ़ी ख़राब लगता है। जब हम लोग डायरेक्टली ड्रॉ करते हैं तो वो दिखने में काफ़ी खराब लगता है। तो मैं अभी देखो आपके सामने मैंने नीचे की स्किन भी डिटेल कर ली है और उसके ऊपर मैं मैकेनिकल पेंसिल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। जो ये 4B की मैकेनिकल पेंसिल है पेंटेल की, तो उसका इस्तेमाल करके मैं आईब्रोज बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा तो अभी फर्स्ट लेयर सेकेंड लेयर हो चुका है, तो अभी मैं डिटेलिंग वर्क शुरू कर रहा हूँ दोस्तों। तो मुझे जहाँ जहाँ लग रहे हैं वहाँ पे मैं डार्क करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यही यही दोनों भी पेंसिल यूज करके मैं पूरी रियलिस्टिक फोरहेड बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये ग्लासेस बहुत ज़्यादा डार्क है, तो डार्कर एरिया के लिए मैं डायरेक्टली आर्ट लाइन की 10B पेंसिल का ही इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा डार्क है। उस चीज़ के लिए आप डायरेक्टली 10B पेंसिल का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके लिए कुछ बेस बेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो डायरेक्टली डार्कर एरिया के लिए आप 10B का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं ज़्यादा डायरेक्टली अप्लाई कर रहा हूँ 10B पेंसिल का। आपको भी ऐसे ही डायरेक्टली जब डार्क एरियाज ऑप्ट करने होंगे तो आप 10B पेंसिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी आपको फर्स्ट लेयर सेकेंड लेयर चलाने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधी तरह 10B का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो ज़्यादा डार्क होती है बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ये पेंसिल से वर्क करने के लिए, और बहुत ही अच्छी तरह ऑप्ट हो जाती है और बहुत ज़्यादा डार्क वैल्यू भी देती है ये आर्ट लाइन की 10B पेंसिल। तो मैं हमेशा जब मेरे आर्ट वर्क में जब डार्कस वैल्यू होते हैं तो हमेशा मैं मेरे आर्ट वर्क में आर्ट लाइन 10B की पेंसिल का ही इस्तेमाल करता हूँ। तो मुझे
प्रिफर 8 लाइन 10B पेंसिल ही लगती है। उसके अलावा तो मैंने अभी तक कोई डार्क पेंसिल का ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं किया है। मुझे बहुत अच्छा लगता है 8 लाइन की 10B पेंसिल। स्किन फर्स्ट लेयर ऑप्ट कर रहा हूँ, जो HB पेंसिल से ऑप्ट कर रहा हूँ। हमेशा फर्स्ट लेयर ऑप्ट करनी चाहिए और फिर बाद में सेकेंड लेयर चलानी चाहिए, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर, फिर बाद में डिटेलिंग वर्क। हमेशा अकॉर्डिंग टू इमेज ही आपको देख देख के चलना चाहिए। तो इमेज कैसा है ये आपको पता चलना चाहिए और आपकी ऑब्जर्वेशन पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए उसके लिए। तो इमेज देख के आपको पता चलना चाहिए कि इस लेयर पे कौन सी पेंसिल ऑप्ट होनी चाहिए। डार्क एरियाज के लिए हमें लेयर बाय लेयर शेडिंग करनी चाहिए, तो हमें HB पेंसिल का इस्तेमाल करना चाहिए या 2B पेंसिल का इस्तेमाल करना चाहिए। तो वैसे ही हमें डार्कर एरिया के लिए हमेशा, मैं तो लोगों को यही प्रेफर करता हूँ कि डार्कर एरियाज के लिए हमेशा 8 लाइन 10B के ही इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छी तरह मर्ज हो पाती है और बहुत ज़्यादा मैं स्पेक्स का रिफ्लेक्शन दे रहा हूँ, तो बहुत ज़्यादा डिटेलिंग वर्क है दोस्तों। तो मुझे नहीं लगता कि ये एक वीडियो में मैं कंप्लीट कर पाऊँगा, क्योंकि डिटेलिंग वर्क करने के लिए मुझे ऑलमोस्ट यहाँ पे मुझे 3 घंटा लग गया है अभी तक। तो काफ़ी काफ़ी दिक्कत होती है हमेशा, तो यही देख देख के डिटेल डिटेल वर्क करना पड़ता है। रियलिस्टिक ड्राइंग की यही यही खासियत है, जब हम देखते हैं तो देखने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन जब हम करते हैं तब हमें पता चलता है कि रियलिस्टिक ड्रॉ करने के लिए काफ़ी कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। दोस्तों रियलिस्टिक ड्रॉ आपको करने के लिए आपकी ऑब्जर्वेशन पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपको पता चलना चाहिए कि आप क्या ट्रिक्स यूज़ करनी चाहिए। आपको रियलिस्टिक पेंसिल का ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं किया है। मुझे बहुत अच्छा लगता है 8 लाइन की 10B पेंसिल। रियलिस्टिक वर्क हमेशा फर्स्ट लेयर में पता नहीं चलता है, जब हम लेयर बाय लेयर ऑप्ट करते हैं तभी हमको पता चलता है कि रियलिस्टिक वर्क और कितने अच्छी तरह से दिख रहा है। देखो अभी फोर हेड देखो कितने अच्छी तरह से दिख रहा है। जब मैं फर्स्ट लेयर ऑप्ट किया था तभी वो कुछ अजीब तरीके से दिख रहा था, लेकिन अभी फोर हेड देखो कैसे कितने रियलिस्टिक लग रहा है। यही यही क्वालिटी होती है रियलिस्टिक वर्क की दोस्तों। जो जो हम लेयर फाइनल लेयर जब चलाते हैं उसके बाद ही वो इफेक्ट देना शुरू कर देता है, तो उसके बाद ही आपको पता चल जाएगा कि ये हाँ ये रियलिस्टिक वर्क है। ये नोज के लिए भी मैं फोर हेड जैसा ही फर्स्ट लेयर ऑप्ट करूंगा HB पेंसिल से। HB पेंसिल से फर्स्ट लेयर ऑप्ट करूंगा और उसके बाद मैं देखूंगा कि अकॉर्डिंग टू इमेज मुझे क्या करना चाहिए। मुझे वापस HB पेंसिल का ही इस्तेमाल करना चाहिए प्रेशर अप्लाई करके, या 2B का इस्तेमाल करना चाहिए। तो मैं फर्स्ट लेयर ऑप्ट करने के बाद मैं अभी
फिर से मैं HB पेंसिल का थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करके HB पेंसिल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। जैसे अकॉर्डिंग टू इमेज मुझे दिख रहा है वैसे डिटेलिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। अगर कुछ आपको कुछ डाउट लगता है या आपको कुछ सजेशन देना होगा तो प्लीज़ इस वीडियो में मुझे कमेंट कीजिए, और आपकी कुछ रिक्वायरमेंट होगी तो वो भी मुझे बता दीजिए। आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए कुछ भी। अगर आपको कुछ भी अगर डाउट है या आपको कुछ भी आपको पता चलता है तो मुझे कमेंट कीजिए मेरे वीडियो पे। तो अभी मैं डार्कर एरिया के लिए, मैंने तो आपको बता दिया था कि डार्कर एरियाज के लिए मैं हमेशा 10B पेंसिल का ही इस्तेमाल करता हूँ, तो 10B पेंसिल यूज़ करके मैं डार्कर एरिया के लिए एरिया ऑप्ट कर रहा हूँ। तो अभी मैं टॉम्बो मोनो इरेजर से डिटेलिंग वर्क शुरू कर देता हूँ। जो मुझे डिटेलिंग वर्क अकॉर्डिंग टू इमेज दिख रही है वहाँ पर मैं डिटेल करना शुरू कर देता हूँ। तो हमें टॉम्बो मोनो इरेजर से वो वाइट जो पोर्शन होते हैं, पॉज जो होते हैं, उसे हमें ऑप्ट कर लेना चाहिए टॉम्बो मोनो इरेजर से, और उसके बाद हमें उसके ऊपर पेंसिल चला लेनी चाहिए, वो भी HB पेंसिल ही चला लेनी चाहिए दोस्तों। डार्क पेंसिल नहीं चलानी चाहिए उसके ऊपर। जो डार्कर्स वैल्यू है उसके लिए आप 10B पेंसिल का इस्तेमाल कीजिए, और जो लाइटर एरिया के लिए है उसके लिए आपको HB पेंसिल का ही इस्तेमाल करना चाहिए। तो मैं अभी डार्कर एरिया के लिए 10B पेंसिल का इस्तेमाल कर रहा हूँ, और मैं अभी हाईलाइट जो दी है मैंने वो ऑप्ट कर लूँगा उसको।